जंगल में रहने वाला जानवर भी कभी इतना बुरा नहीं हो सकता जितना कि इंसान के अंदर छुपा हुआ जानवर हो सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो देखने के बाद आपके दिल पे ऐसा निशान बन जाएगा जिससे कभी आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जानवर, ये एक ऐसी कहानी है जो एक वक्त बांग्लादेश को हिला के रख दिया था, लेकिन बाद में जब कहानी को फिल्म का शक्ल दिया गया तो ऐसा लगा कि जैसे वो डरावनी रात फिर से जिंदा हो गई। कहानी सुनने के बाद अगर आपको फिल्म देखने का मन करे तो प्लीज बच्चों के साथ ये फिल्म मत देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। वो एक कॉलोनी में जाता है जहाँ से कुछ इंसिडेंट की सूचना मिली थी। वो दूसरा एक पुलिस ऑफिसर को पूछता है कि ये घटना कब हुआ था, तो पुलिस वाला कहता है कि ये घटना रात को 12 से 4 बजे के बीच हुई है। अब वो पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो उस फ्लैट के अंदर घुसता है। रूम में उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की के पास जाते ही वो लड़की जोर जोर से चिल्ला के उसे दूर जाने को कहती है। वो दूसरा रूम में जाता है जहां उसे एक बच्ची दिखाई देती है, लेकिन वो बच्ची भी उसे चिल्ला चिल्ला के वहां से दूर जाने को कहती है। फिर वो और एक रूम में जाता है जहां एक औरत जख्मी हालत में थी। ऑफिसर उसे कुछ पूछने की कोशिश करने से वो भी उसे दूर जाने को कहती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से उस बच्ची के पास जाता है। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी, लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि बेटा डरो मत, मुझे अपना अंकल समझ लो और इधर क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर वो बच्ची शांत हो जाती है और कहने लगती है। वो कहती है कि उसका नाम हावरिन है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। कल उसका बर्थडे था। रात को हावरिन उसकी बहन सवरियाना के साथ सो रही थी। सुबह हावरिन जल्दी जाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बर्थडे के दिन उसे किसी ने विश नहीं कर रहा है। वो सबरीना को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सबरीना उसे डांट के फिर सो जाती है। हावरिन उसके माँ के पास जाती है और बर्थडे के लिए बोलती है, लेकिन उसके माँ कहती है कि तुम्हारी बर्थडे आज रात 12 बजे मनाई जाएगी। हावरिन का और एक छोटा भाई है जिसका नाम है फादिल। फादिल दिमागी तौर से कमजोर है। वो ऑटिज्म नाम का एक बीमारी का शिकार है। तब कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस कारण से हावरिन के बर्थडे में किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। हावरिन रूम में आके फिर से उसकी बहन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी सबरीना उसे डांट के भगा देती है, जिससे हावरिन बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन फिर उसकी बहन उसे मनाने के लिए उसका मेकअप कराने लगती है। फिर हावरिन उसके मम्मी के पास जाती है और कहती है कि मैं कितने बजे पैदा हुई थी, तो उसके मम्मी कहती है कि तुम रात को 2:30 बजे पैदा हुए थे। तब हावरिन कहती है तो फिर मैं 2:30 बजे केक काटूंगी। उसके मम्मी भी उसके बातों में हाँ भरते हुए कहती है कि ठीक है, हम जल्दी सो जाएंगे और रात को उठ के केक काटेंगे। रात को सब लोग जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन हावरिन को नींद नहीं आ रही थी। वो अकेली बाहर घूमते घूमते एक वक्त सोफे में सो जाती है। हावरिन के पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उनका बातचीत फोन में वीडियो कॉल के जरिए ही होता था। लेकिन उस दिन रात को मुंह में कपड़ा बांध के एक चोर घर में घुस जाता है और उसने और 4 बंदों को दरवाजे से अंदर बुला लेता है। उस गैंग का लीडर का नाम था काजिम। उस गैंग में उसका बेटा पारवेज भी शामिल होता है और बाकी 3 का नाम था उद्दीन, हलाल और पाशी। घर में घुस के परवेज कहता है कि उसे सबरीना के साथ संभोग करना है। तब उसका पिता काजिम कहता है कि हम यहाँ पैसा चुराने आए हैं और तुम्हें सेक्स की पड़ी है। उन्हें कहीं से मालूम चला है कि रूम में 20 लाख रुपए रखा हुआ है और वो लोग उसी पैसे को चुराने के लिए आया था। वो लोग सभी रूम में पैसा ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता है। तो वो लोग स्मृति के रूम में घुस के उसे चाकू के नोक पर रख के तलाश करता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें पैसा नहीं मिलता है। वो लोग स्मृति और फादिल को बाहर ले आकर हावरिन को बांध देते हैं, लेकिन स्मृति कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है। वो 30,000 रुपए और ज्वेलरी लाके उन्हें देते हैं, लेकिन काजिम कहता है कि मुझे भीख नहीं, पूरा 20 लाख रुपए चाहिए। इधर सबरीना का रूम का दरवाजा लॉक देख के वो लोग सोचता है कि पैसा उस रूम में रखा हुआ है। वो लोग सबरीना को जगा के बाहर लेके आता है और फिर रूम का तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें वहाँ भी पैसा नहीं मिलता है। अब वो लोग सबको हॉल में लाकर बांध रहे होते हैं, तभी सबरीना परवेश के मुंह से गमछा हटा देती है। परवेश कोई और नहीं था, उनके घर में काम करने वाला नौकर था। उसके बाद सब एक एक करके अपने मुंह से गमछा निकाल लेता है। स्मृति देख के हैरान हो जाती है कि एक परवेश का पिता है और दूसरा उनके रिक्शा चलाने वाला है जो सबरीना को रोज स्कूल लेके जाता था, और बाकी सब इनके घर में बाजार से सामान पहुँचाने का काम करता था। स्मृति काजिम के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो अकेली ही इन बच्चों के साथ रहती है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन काजिम कहता है कि उसे भूख लगा है। वो लोग चिकन रोस्ट और पुलाव खा के ही वहाँ से चले जाएंगे। फिर जबरदस्ती स्मृति को किचन में लेके जाके उनसे चिकन रोस्ट और पुलाव बनवा लेता है। ये सब खाने के बाद काजिम स्मृति को कहता है कि तुम और सबरीना जाके साड़ी पहन के आओ और हमारे सामने नाचो।
दरअसल उनके मन में हावस का कुछ जाग उठा था, लेकिन स्मृति ऐसा करने से इनकार करती है। तब काजिम उसे बहुत पीटता है और घसीटते हुए रूम में लेके जाके एक साड़ी निकाल के देता है। उसके बाद बाहर आके फादिल के गले में चाकू रख के सबको नाचने के लिए बोलता है। अब बच्चों को बचाने के लिए स्मृति, सबरीना और हावरिन नाचने लगती है। उसके बाद उनके साथ शुरू करता है वो वैशी दरिंदगी। तब बारी बारी से स्मृति और सबरीना को रेप करता है। यहाँ तक तो छोटी बच्ची हावरिन को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद हावरिन को जो आदमी रेप करता है उसके मन में विचार जागता है कि शायद वो लोग गलत कर रहा है, इसलिए वो सबको चलने के लिए बोलता है। लेकिन काजिम उसे कहता है कि तुम जब छोटी बच्ची का रेप किया था तब तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ था। अब अगर हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो हमें कल पुलिस पकड़ लेगी और हमारा फांसी हो जाएगा। अब बस एक ही उपाय है, उनको मार देते हैं। लेकिन कोई इसमें राजी नहीं होता है। फिर एक लड़का सामने आता है और उससे जाके स्मृति का गला काट देता है और उसे मार देता है। फिर परवेज जाके सबरीना को और दूसरा आदमी जाके हावरिन को मार देता है। अब बचा है फादिल। काजिम उसे भी नहीं छोड़ता है, जबकि वो गूंगा बहरा था। काजिम उसे भी मार देता है। अब सीन फ्लैशबैक से हकीकत में आता है और वो पुलिस वाला जो स्मृति, सबरीना और हावरिन से ये सब कहानी सुन रहा था, वो फ्लैट में जाके देखता है कि उन तीनों की लाश फ्लैट के अंदर इधर उधर पड़े हुए हैं। दरअसल इतने देर से जो ये उसके साथ बात कर रहे थे वो जस्ट उसका एक इमेजिनेशन था। तभी दूसरा पुलिस वाला आता है और कहता है कि वो आसपास वालों से पता किया है कि रूम में तीन नहीं चार इंसान थे। तब पुलिस वाला बाथरूम खोल के देखता है कि वहाँ फादिल का लाश पड़ा हुआ है। ये देख के उसका तो होश उड़ जाता है। फिर वो अपने घर में फोन करके घर वालों का खबर लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कल रात को अगर ये हादसा नहीं होता तो ये लोग कितने खुशी से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। आखिर में उस परिवार की रियल फोटो दिखाया जाता है जो इस हादसे का शिकार हुए थे। उन दरिंदों को भी दिखाया जाता है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था। ये कहानी को सुनने के बाद आप उस हादसे को जितना सोच पा रहे हो, रियल में वो हादसा उससे काफी ज्यादा भयानक और दर्दनाक रही होगी। लेकिन शायद उन दरिंदों को अभी तक फांसी नहीं मिली होगी। फांसी की सजा तो दूर, दुनिया में बनाए गए हर सजा उनके लिए कम है। इसलिए कभी किसी के साथ अपना ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसके मन में क्या विचार आए और वो आपके साथ कुछ गलत कर जाए। इनके इस दरिंदगी के लिए क्या इन्हें फांसी की सजा ही देना सिर्फ काफी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए कहानी के साथ अगले वीडियो।